इधर देखना जरा हमारे राष्ट्र कवि है, जोरदार तालियां। ठीक है जी, आया आया हाँ जी, इधर इधर एक मिनट, स्वागत करेंगे। हाँ सर नवीन जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हेलो हेलो हेलो, ये सद्भावना होनी चाहिए आपस में। अरे मेरा नहीं, मुझे आपका करना है यार। हो गया, अब तुम्हारा करो। तुम्हारा दोनों का ये जोरदार ताली बजाओ यार। भाई भाई एक रोटर होना है, जल्दी 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 तालियां इधर देखिए, इधर तालियां भाई। हाँ भाभी जी, बस अब मुझे लगता है गीत करवा। एक मिनट देखो, एक मिनट साथ में हो, साथ में कुछ भाई बंधु हमारे रह गए। ग्रुप आया, ग्रुप अभी एक मिनट, ये हो गया, अब बच्चे भी हो गए हैं, अब कंप्लीट करेंगे। विदु नापल दो यार, जो वेरी तालियां बजाइए। नहीं नहीं आप लोग चल रहे, वेरी गुड वेरी गुड। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। और सभी भाइयों बहनों, आज हमारे समाज के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि आज 26 नवंबर 1950 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान बनाकर भारत के राष्ट्रपति को सौंपा और आज ये 26 नवंबर के दिन भारत में लागू हुआ। इस संविधान ने हमारे देश के लोगों को, विशेष रूप से हम लोगों को, बहुत सारी व्यवस्थाएँ दी, जिसमें सरकार की नौकरियों में 22.5% का आरक्षण, 25% का लोकसभा विधानसभा में आरक्षण, और उसके होते हुए हम लोगों को काफ़ी संख्या में लोगों को सरकार की नौकरी में आने का अवसर मिला, लोकसभा और विधानसभा में जाने का मौका मिला। मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से करीब 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में आने में कामयाब हुए, और एक आदमी के नौकरी में आने से 10 लोगों की गरीबी की रेखा से ऊपर आ जाते हैं, तो समाज के करीब 4 करोड़ लोग बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान में सरकारी नौकरी माने की वजह से गरीबी की रेखा से ऊपर आए। इसके साथ लाखों की संख्या में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हमारे एमएलएज बने, उन लोगों के भी काफ़ी अच्छा उन लोगों को मौका मिला संविधान में 25% के आरक्षण से लोकसभा और विधानसभा में जाने का, तो उस तबके में भी हमारे समाज की गरीबी को दूर होने का एक बहुत बड़ा अवसर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। और अगर कहा जाए तो आज जो लोग हमारे विदेशों में काम कर रहे हैं, जो लोग हमारे इस भारत में काम कर रहे हैं, जो लोग आज संपन्न हैं, उनका श्रेय निश्चित रूप से बाबा साहब अम्बेडकर उनके द्वारा बनाए हुए संविधान को जाता है। मैं आज 26 नवंबर के इस पावन पर्व पर आप सभी को बधाई देता हूँ, आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, और आपसे आशा करता हूँ कि आप सब लोग जिस प्यार और मोहब्बत के साथ आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आज आपने इस क्षण को ऐतिहासिक क्षण बनाया है, अपने परिवार के साथ आप खाना लेकर यहाँ पर आए हैं, एक छोटी सी अपील पर आज लाखों की संख्या में आज राजपथ को आपने भर दिया है, भारत की सरकार को भी इसका एक सीधा संदेश जाता है कि आज बाबा साहब अम्बेडकर के इस पावन पर्व पर पूरा हमारा SC ST समाज एकजुट है, और हम सब लोगों में जो प्यार मोहब्बत है उसका प्रमाण आज यहाँ पर हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खाना बांट के खा रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि हम लोग आज इस पर्व को बड़ा खुशी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं इस मौके पर एक संदेश ये देना चाहता हूँ साथियों, हम सबको इकट्ठा होने की जरूरत है, जातियों और उपजातियों में बंटने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने एक नाम दिया संविधान में, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, हमको उसी लाइन पर चल करके काम करना है, हम लोगों को आपस में एकजुट रहना है, एक दूसरे से प्यार बांटना है, एक दूसरे के सुख दुख में हमें उसका साथ देना है, बजाय ये कि हम एक दूसरे से नफरत करें, एक दूसरे का हम लोग बुराई करें, आज से हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि हमें इस चीज़ को बिल्कुल बंद करना है, और जितना संभव हो सके एक दूसरे की हमें मदद करनी है और उसको हमको प्यार करना है। तो इस शुभ अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को, क्योंकि आज ये कार्यक्रम
इंडिया में नहीं बल्कि आज लंदन में भी बाबा साहब अम्बेडकर का जो घर है वहाँ भी सेलिब्रेट किया गया है। और अब रात को वहाँ पर जो साउथ हॉल है लंदन का, उस लंदन में भी शाम को रात को ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दुनिया के कोने कोने में आज 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जा रहा है। कल भारत के राष्ट्रपति विज्ञान भवन में इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं, उसमें हम लोग भी ऑर्गेनाइजर की भूमिका में कल इस कार्यक्रम को विज्ञान भवन में सेलिब्रेट करेंगे। तो मेरा पूरे देशवासियों से ये निवेदन है, ये अनुरोध है कि आने वाले 26 नवंबर तक हम लोग और एकजुट हों और इकट्ठा हों, और जब अगली बार 26 नवंबर आए तो इस राजपथ पर कोई घास का मैदान हो चाहे सड़क हो वो खाली नहीं मिलना चाहिए। हमको अपने परिवार के साथ अपना खाना बांध करके 26 नवंबर अगले साल के लिए भी तैयारी आज से करनी है। एक बार उन्हें पूरे देशवासियों का, पूरे अपने समाज अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों का और दुनिया भर में जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को आज सेलिब्रेट किया है, मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद चौधरी साहब का। अब मैं चाहूँगा कि डासवी के अध्यक्ष हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी आकर के अपने दो शब्द रख के। अभिमन्यु जी, सभी को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ, जय भीम, नीला सलाम पेश करता हूँ। आप सभी को संविधान दिवस की जो है हार्दिक बधाई। मैं दो तीन बात साझा करूँगा, अगर बैठ जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं दो तीन बात साझा करूँगा। मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी देख रहा था, परसों देख रहा था, उसमें ज्योतिका मंडल एक किन्नर है जो इस देश का पहला जज बना है। देश का पहला किन्नर जज ज्योतिका मंडल बना है। और जब वो एक बार ऐसी सिचुएशन थी कि वो जब ट्रेनिंग के लिए गया तो उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई एक वकील के द्वारा, लेकिन आज वही किन्नर, वही ज्योतिका मंडल उस वकील के चैम्बर के आगे से बड़ी गाड़ी लेकर के गुजरता है। जब मैं ये बात इसलिए साझा कर रहा हूँ, कि जब वो जज बना, नॉमिनेट हुआ, तो पहली बार वो कहीं नहीं जा कर के सीधा, मेरे साथियों, जहाँ पर नागपुर की दीक्षा भूमि में गया और वहाँ पर जाकर के उससे पूछा गया कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, तो उसने कहा कि इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर एक चाय बेचने वाला आदमी प्रधानमंत्री तो बन सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन जिस मुल्क के अंदर पैदा होते ही जाति का लोगो लग जाता है, जाति का ठप्पा लग जाता है, वहाँ पर एक किन्नर का जज बनना इम्पॉसिबिलिटी है। अगर मैं किन्नर एक जज बना हूँ तो इस बाबा साहब के संविधान की वजह से बना है, मेरे साथियों। और मैं एक बात और साझा करूँ, इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर संविधान बनाने के मौके एक बार नहीं आए, इस देश के अंदर संविधान बनाने के मौके दो बार नहीं आए, इस मुल्क के अंदर संविधान बनाने के मौके तीन बार नहीं आए, इस मुल्क के अंदर संविधान बनाने के मौके चार बार आए। पहला मौका 1928 के अंदर आया, जब साइमन कमीशन इस मुल्क में आया और साइमन कमीशन ने कहा कि भारत के लोगों, क्यों ना अपने देश का संविधान बना लो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपके देश में पैदा हो चुके हैं। लेकिन इस देश के अंदर नेहरू एंड कंपनी के लोग नहीं चाहते थे कि इस देश का संविधान एक अछूत लिखे। दूसरा मौका 1946 में आया, जब सपूर एंड कमेटी बनाई गई, उसका भी कहीं ना कहीं इस देश का संविधान बनाने का काम था। तीसरा मौका तब आया जब नेहरू ने चीन में बैठे हुए आइवर चैनिंग्स से बात की। आइवर चैनिंग्स वो व्यक्ति था जिसने कई देशों के संविधान तो फोन पर ही लिखे थे, लेकिन आइवर चैनिंग्स से भी यही उत्तर मिलता है कि ये भारत के लोगों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपके देश में हैं, क्यों ना अपने देश का संविधान बना लो। लेकिन जब चौथा मौका, जब इस देश के अंदर संविधान सभा बनी, संविधान सभा का अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बनाया गया, तो समता का ग्रंथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश को दिया था। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब।